स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 3 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और 3 मंथ कौन कौन से होंगे? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इन तीनों को कवर करेंगे, टॉप 100 MCQ डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और ये सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन है और सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल है, किस पुल का नाम बदलकर कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया है? तो कौन सा है ये पुल? तो ये है आपका काक्सर ब्रिज। ठीक है, काक्सर ब्रिज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहां पर है ये? तो ये है आपका लद्दाख के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द हाइक ऑफ हाउ मच इन डियरनेस अलाउंस? डियरनेस अलाउंस के अंदर कितना जो है यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है केंद्रीय सरकार के द्वारा? तो यहाँ पे की गई है 3% की बढ़ोतरी। डियरनेस अलाउंस जो है महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं, उसके अंदर बढ़ोतरी की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 40वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 17 अक्टूबर 2024 को, 17 अक्टूबर 2024 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द स्टैच्यू ऑफ जस्टिस यानी कि जो न्याय की मूर्ति है, हाल ही में से कौन सा प्रतीकात्मक तत्व हटा दिया गया है? तो देखो, आपको यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में दिख रहा होगा कि पहले ही जो न्याय की मूर्ति थी वो कुछ ऐसी दिखती थी, जहां पे इन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी होती थी। अब इनको जो है चेंज करके ऐसा कर दिया है जहां पे ये बिल्कुल बिना किसी पट्टी के, यानी कि जो ब्लाइंड वाला एलिमेंट है वो हटा दिया है। तो यहाँ पे करंट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड फोल्ड वाला जो एलिमेंट है वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? तो ये किया आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया? तो ये जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के लिए किस कंपनी ने अनुबंध यहाँ पे क्या किया है? अनुबंध प्राप्त किया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया अगर नॉर्मल बोले तो, दैट इज BEML, ये जो कंपनी है इसका नाम है भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो आई थिंक ये तो आंसर सभी को पता होगा, तो ये है बिल्कुल उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के नए CM बन गए हैं, बिल्कुल सही। आगे, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है, यानी कि मल्टीपर्पस वेसल का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? एग्जैक्टली समर्थक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समर्थक नाम है इसका। किस संगठन ने विजयदशमी पर अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया? ठीक है, विजयदशमी जो है अभी रिसेंटली गई और 100वां स्थापना दिवस मनाया था इसने, ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी RSS। ठीक है, RSS बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो भी है देख लेना। कहां एक उन्नत एक्स ब्रांड रडार स्थापित किया गया, यानी कि एक्स बैंड रडार जो है उसको कहां स्थापित किया गया है? तो वो क्या है? वेनाड के अंदर। वेनाड कहां है आपका? केरला के अंदर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत ने हाल ही में स्टडी इन इंडिया अभियान कहां लॉन्च किया है? तो स्टडी इन इंडिया अभियान जो है ये आपका UAE के अंदर लॉन्च हुआ है, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट, भारत का वस्त्र क्षेत्र का लक्ष्य 2030 तक कितना है, यानी कि जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर है उसको कितना ग्रो करने की यहां पे बात की जा रही है? तो वो है $350 बिलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कितने जो है नए ESIC मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? तो ये जो है अभी बनाई जाइए, तो इसके अंदर बोला गया कि भाई 10 नए जो है कॉलेजेस बनाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आगे, भारतीय कौशल संस्थान यानी कि IIS का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है आपके मुंबई के अंदर, ऑप्शन 3 ही है यहाँ पे, लेकिन मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, यानी कि नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ एस्टेब्लिश किया? लोथल गुजरात के अंदर, लोथल गुजरात के अंदर ये किया गया। आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर 2024 को CDOT बेंगलुरु में 5G ओपन रैन परीक्षण लैब का उद्घाटन किया, किसने किया? तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका फिर से वही हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है। आगे, विच इवेंट हैज इनॉग्रेटेड, अच्छा चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ने CSIR के 83वें स्थापना दिवस पर किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो कौन से कार्यक्रम का उद्घाटन किया? एग्जैक्टली फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ CSIR। ठीक है, CSIR का जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन जो है इस दिन पे यहाँ पे रिवील किया। ओके, आगे देखते हैं। जो थीम थी राष्ट्रीय पोषण माह की, राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है? सितंबर में मनाया जाता है, ये सभी को बताएं, लेकिन इस बार की थीम क्या आती है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, ये दैट इज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ।
आगे हु अज्यूम्ड यानी कि ASOSAI की अध्यक्षता किसने संभाली, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलरली इसकी अध्यक्षता किसने संभाली, तो ये है हमारे, बिल्कुल सही आंसर है जिसने गेस्ट करा है यहाँ पे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG, ठीक है, CAG करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे 2024 तक केंद्रीय रेशम बोर्ड ने भारत के रेशम उद्योग को कितने वर्षों तक आगे बढ़ाया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 75 वर्षों तक। अच्छा आपके सामने दे ही रखा है। आगे पीएम मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद दिल्ली कब लौटे, तो खैर ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वैसे, लेकिन हाँ सितंबर 25 के अराउंड। हाँ ओके नेक्स्ट है 2024 में 16वीं ASOSAI सभा का उद्घाटन किसने किया, अभी हमने देखा था अध्यक्षता किसने संभाली, तो वो थे हमारे CAG। कमेंट में बताओ करंट CAG कौन है, कौन है हमारे करंट CAG, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब यहाँ पे देखो किसने इसका उद्घाटन किया ये पूछा जा रहा है, तो ये है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ASOSAI की भी फुल फॉर्म देख लेते हैं, दैट इज एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है ये भी आपको याद रखना है। आगे 27 सितंबर 2024 को सरकार द्वारा क्या रद्द किया गया था, क्या रद्द किया गया था 27 सितंबर को, वैसे इतना प्रिसाइज तो आप क्या याद रखोगे, लेकिन आपको याद रखना है कि अमेंड हुआ था, दैट इज FCRA का लाइसेंस जो है वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है, तो FCRA लाइसेंस ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जो है कैंसिल कर दिया गया था। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट साइबर खतरों से बिजली क्षेत्र को बचाने के लिए भारत ने कौन सी पहल की शुरुआत करी है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये है आपका CSIRT पावर, ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिससे कि भारत जो है बिजली क्षेत्र में साइबर खतरों से बच सके, ठीक है। आगे 23 सितंबर 2024 को मुंबई में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया, ये तो देखो आपको बस इतना याद रखना है मुंबई में अभी कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली क्लीन द बीच में कैंपेन, क्लीन द बीच कैंपेन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 24 सितंबर 2024 को भारत ने अमेरिका से क्या पुनः प्राप्त किया, यानी कि कुछ जो है एक नई टेक्नोलॉजी है कुछ ना कुछ मिला होगा भारत ने US से लिया है, क्या लिया है वो आपको बताना है, एग्जैक्टली दैट इज कल्चरल एंटीक्विटीज, कल्चरल एंटीक्विटीज, ठीक है ऑप्शन नंबर बी। 23 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत के कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया गया, कितने साल पूरे हो गए आयुष्मान भारत के, 6 साल, एग्जैक्टली 6 साल जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लीन द बीच अभियान का 2024 में मुंबई में उद्घाटन किसने किया, अभी पूछा था कहां हुआ तो मुंबई में हुआ, किसने किया अभी पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी भूपेंद्र यादव। अब मैं आपसे पूछूं भूपेंद्र यादव कौन है, तो यह है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट। आगे सितंबर 2024 में एनिमेशन से संबंधित कौन सी राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है, एनिमेशन से रिलेटेड कौन सी पहल है, तो बिल्कुल यहाँ पे एनिमेशन इसी ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस और फॉर एनिमेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे करेक्ट है क्लीन द बीच अभियान 2024 का मुंबई में उद्घाटन किसने किया, भूपेंद्र यादव, अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन। सितंबर 2024 में किस कविता और अध्याय को कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, कौन सा है वो, यहाँ पे देखो इसका नाम है बेसिकली अ पोयम ऑन नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है नेशनल वॉर मेमोरियल एंड चैप्टर ऑन वीर अब्दुल हामिद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन की शोभा कहां बढ़ाई, कहां पे, तो ये हुआ आपका उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल को क्या कहा जाता है, फर्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव को क्या बोला गया, तो ये कहा गया यहाँ पे विजन नेक्स्ट ऑप्शन सी। आगे सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन से महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को स्वीकार किया गया, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सितंबर 2024 में विश्व स्वच्छ भारत मिशन में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया, यानी कि क्या जो है एक अचीवमेंट हमने हासिल की है इसके अंदर, तो हमने अचीवमेंट यहाँ पे हासिल करी है कि हमने जो है नेक्स्ट डिकेड ऑफ ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, यस नेक्स्ट डिकेड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि हम जो है फिर से 10 आने वाले साल के लिए तैयार है। सितंबर 2024 के अंत में राष्ट्रपति निलयम ने कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया, क्या है ये, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय कला महोत्सव, भारतीय कला महोत्सव ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे 17 सितंबर 2024 को पीएम मोदी द्वारा कौन सी नई रेल पहल जो है शुरू की गई है, दैट इज नमो भारत रैपिड रेल, ठीक है नमो भारत रैपिड रेल।
सितंबर 2024 के अंत में राष्ट्रपति निलियम में कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया, ये आपने देख लिया, भारतीय कला महोत्सव। आगे वर्ल्ड स्केल 2024 में भारत ने कौन सी अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करी है, तो ये की गई है ट्रंप इन वेरियस स्किल कॉम्पिटिशन। आगे किसने सी डॉट बेंगलुरु में 5G ओपन रैन परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, आई थिंक ये हमने देख लिया, दैट इज यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के 83वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया, ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बिल्कुल सही आंसर आपका इस बार जो किया गया है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके नाउ नेक्स्ट इज सितंबर 2024 में भारत के पोषण और स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नाम क्या है, तो इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नाम है, बिल्कुल सही, राष्ट्रीय पोषण माह, क्योंकि हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, अभी हमने बहुत बार जो है यहाँ पे क्लीनलीनेस से बात करी तो आई थॉट कि ये होगा, बट नहीं, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की, और इसी के लिए हम क्या मनाते हैं, पोषण माह, या जो कि सेप्टेम्बर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली 75th एनिवर्सरी, ऑप्शन नंबर सी। 2024 से 27 के लिए ASOSAI की अध्यक्षता किसने संभाली, दैट इज CAG ऑफ इंडिया, अभी हमने डिस्कस किया था इसको। भारत सरकार द्वारा किस शहर का नाम श्री विजयापुरम रखा गया है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया है विजयापुरम। ठीक है, भारत ने सितंबर 2024 में अमेरिका से कितने पुरावशेषों को प्राप्त किया, पुरावशेष यानी कि हमारे जो एंटीक्विटीज होते हैं ना, एंटीक चीजें, उनको वापस से प्राप्त किया इंडिया ने, तो कितनी है वो टोटल, 297, कितनी सारी है, यानी 297। आगे प्रधानमंत्री ने कौन से रेल की जो है यहाँ पे, अभी देखो आपको बताया था, नमो भारत की जो है शुरुआत की है। आगे सितंबर 2024 में लॉन्च किए गए नए ऐप रंगीम मछली का ध्यान किस पर था, ओके तो यहाँ पे बेसिकली किस पे फोकस करता है ये पूछा जा रहा है, तो दैट इज करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली ऑर्नामेंटल फिशरीज, यानी ऑप्शन नंबर बी। किसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25 से लेकर 2028-29 के लिए स्वीकृति दे दी है, तो दैट इज PMGSY 6, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कवरेज के संदर्भ में क्या स्वीकृत किया है, तो यहां पे स्वीकृत क्या किया गया है, हेल्थ कवर फॉर ऑल एजेड 70 एंड अबव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल किसने शुरू करी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा आंसर है। 8वें इंडिया वाटर वीक यानी कि IWW 2024 का क्या महत्व है, तो क्या है इसका यहाँ पे वह महत्व, दैट इज सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पहल से संबंधित क्या मंजूरी दी है, तो यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन रिकमेंडेशन जो भी है वो भी हो सकते हैं, ये यहाँ पे मंजूरी दी है। कौन सी विधानसभा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सितंबर 2024 में उद्घाटन की गई, कौन सी ये विधानसभा, ये तो ये करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 16th ASOSAI असेंबली, यानी ऑप्शन नंबर बी। आयुष्मान भारत के संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण घटना मनाई गई, तो ये कौन सी घटना मनाई गई, 6th एनिवर्सरी जो है अभी हमने मनाई है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किसने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए रंगी मछली ऐप लॉन्च किया, अच्छा किसने किया ये पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है फिशरीज का। तो नेक्स्ट है सितंबर 2024 में भारत के लिए CSIRT पावर का उद्देश्य क्या है, भाई अभी हमने डिस्कस किया था, ताकि हम पावर सेक्टर को बचा सके साइबर थ्रेट से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना और वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ किस MOU पर हस्ताक्षर किया है, कौन सा है ये MOU, टू बूस्ट लॉजिस्टिक स्किल्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई समाचार की विरासत का सम्मान करने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्री जारी की है, तो ये डॉक्यूमेंट्री है यहाँ पे 200 नॉट आउट, यानी कि 200 नॉट आउट, ये डॉक्यूमेंट्री है। शराब के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत का लक्ष्य क्या है, शराब के निर्यात को बढ़ाने के लिए हमने टारगेट लिया है 8,000 करोड़ का, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर 2024 को ऐतिहासिक दौरा कहां का किया था, तो अभी रिसेंटली कहां की विजिट पर थे, ब्रूनी की विजिट पर थे प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यूपी सरकार वाराणसी में किस प्रकार का संग्रहालय बनाने की योजना की जा रही है, तो यूपी में जो है एक यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई हम 3D वैदिक म्यूजियम बनाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक वैदिक 3D म्यूजियम जो है यहाँ पे वाराणसी में बनाने की प्लानिंग की जा रही है। हु अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन, 23वें विधि आयोग के गठन की किसने मंजूरी दी, तो कौन दे सकता है, एग्जैक्टली प्रेसिडेंट ही दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर, विषाणु युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है पैंडेमिक से हम जो है प्रिपेयर्ड रहे, ऑप्शन नंबर बी। किसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो किसके लिए दी है? दैट इज 7 स्कीम्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार नया सेमीकंडक्टर यूनिट कहां स्थापित किया गया है? तो कहां स्थापित किया गया है ये? एग्जैक्टली, तो ये किया गया है आपका गुजरात के अंदर, यानी सानंद गुजरात के अंदर। नए सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक को किसने अनावरण किया? तो ये किया है हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2024 को किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति हुई? तो ये समाप्ति हुई यहाँ पे HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुपूर्णा देवी ने 2 सितंबर 2024 को क्या लॉन्च किया है? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है पोषण माह, यानी कि आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? राष्ट्रीय पोषण माह, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा स्मारक वस्त्र जारी किया है? तो ये क्या किया है? स्टाम्प, यानी कि कॉमेमोरेटिव स्टाम्प, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 सितंबर 2024 को किस बड़े कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो ये किया है आपकी इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, भारत पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPB ने 2 सितंबर को 2024 को कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो ये है 7th फाउंडेशन डे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने 2 सितंबर 2024 को किस पद का कार्यभार संभाला? कौन से पद का कार्यभार संभाला इन्होंने? एग्जैक्टली, इन्होंने संभाला डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त 2024 को कितनी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाई है? तो यहाँ पे 3 और नई जो है वंदे भारत ट्रेन जो है यहाँ पे लॉन्च हो गई है। 31 अगस्त 2024 को किन 4 संस्थाओं को नवरत्न स्थिति मिली है? तो कौन कौन है वो नवरत्न स्थान पाने वाले? तो ये है सबसे पहला NHPC, यहाँ पे देखो NHPC, SECI और रेलटेल और SJVN, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट रीसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, यानी कि लद्दाख में हाल ही में कौन सा प्रशासनिक परिवर्तन किया गया है? क्या चेंज आया है लद्दाख के अंदर? तो यहाँ पे आया है क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट है, लद्दाख के अंदर अभी 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखपति दीदी सर्टिफिकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पीएम मोदी, कितने सर्टिफिकेट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए ये आपसे पूछा जा रहा है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 11 लाख, यस एग्जैक्टली 11 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 11 लाख जो है लखपति दीदी सर्टिफिकेट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, 31 अगस्त 2024 को भारतीय सेना द्वारा कौन सा परियोजना की शुरुआत की गई? तो यहाँ पे शुरू किया गया नमन, यानी कि प्रोजेक्ट नमन, स्पर्श इनेबल्ड सर्विस सेंटर नेशन वाइड। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, यहाँ पूछा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च की गई ई मैगजीन का शीर्षक क्या है? क्या है इसका शीर्षक? तो यह है सपनों की उड़ान, ठीक है, सपनों की उड़ान। अच्छा, मुझे ये बताओ कि धर्मेंद्र प्रधान कौन से मिनिस्टर हैं, किस चीज की मिनिस्ट्री इनके पास है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, व्हाट सिग्निफिकेंट एरोस्पेस, हिंदी में पढ़ते हैं, भारत ने हाल ही में कौन सी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शन नंबर सी, लॉन्चिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे, कौन सा भारत का विद्युतीय क्षेत्र की दक्षता को सुधारने के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? किस क्या नाम है इस कार्यक्रम का? इसका नाम है 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मम्पोक्स के मामले में वृद्धि के प्रति क्या कदम उठाया है? तो मम्पोक्स के मामले में क्या उठाया है कि भाई अभी जो है यहाँ पे हाइटन अलर्ट रहे और मॉनिटर इसकी पूरी पूरी हो, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ कुछ केसेस देखने को मिले हैं मंकी पॉक्स के, ठीक है। आगे, हाल ही में संघ कैबिनेट द्वारा कौन से महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी गई है? कौन सा है ये परियोजना को? तो ये है मेजर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे, हाल ही में एम करुणा निधि को सम्मानित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण सिक्का जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है सेंटेनरी कॉमेमोरेटिव कॉइन, ठीक है, सेंटेनरी कॉमेमोरेटिव कॉइन, जिसको शताब्दी स्मारक सिक्का भी कहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित नई राष्ट्रीय कार्यबल का मुख्य ध्यान क्या था? तो क्या है इसका नया मुख्य ध्यान? दैट इज इंश्योरिंग हेल्थ केयर वर्कर सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वर्कर की सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सरकार ने कच्चे तेल करों के संबंध में क्या कार्यवाही की है? इन्होंने जो है ये कार्यवाही की कि भाई रिड्यूस करना है क्रूड ऑयल टैक्स को और एलिमिनेट करना है डीजल एंड ATF लेवीज को,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे, कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करने जा रहा है? तो कौन सा देश करेगा ये? नेपाल करने जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में क्या लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडियाज इनिशिएटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका, इंडिया के चैलेंज सीजन वन, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन वन। नेक्स्ट है, भारत के कैप्स 4 परमाणु संयंत्र ने हाल ही में कौन सा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? दैट इज क्या हो जाएगा इसका आंसर? फुल कैपेसिटी अचीवमेंट, फुल कैपेसिटी अचीवमेंट जो है हमने इसके अंदर हासिल की है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कौन से राज्यों के लिए 2024 के चुनाव की तारीखें घोषित की गई हैं? अब कौन कौन से राज्यों में चुनाव होंगे? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट रीसेंट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द सेंटर टू मैनेज पेस्ट? कौन कौन से हैं वो पेस्ट से? तो यहाँ पे है न्यू AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम। नेक्स्ट है, किसान की बात सरकारी रेडियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्या है यहाँ पे किसान की बात का? तो ये है कि भाई जितने भी यहाँ पे फार्म साइंस वाले गैप है उसको क्या करें, कम किया जा सके। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम का मुख्य वक्ता कौन होगा? यानी कि कौन जो है यहाँ पे हेडलाइन बना हुआ है ईटी वर्ल्ड फोरम का? तो वो बने हुए हैं यहाँ पे एग्जैक्टली पीएम मोदी जी, ठीक है, सही है। और नेक्स्ट, पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कौन सी महत्वपूर्ण नीति का आह्वान किया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज सेक्युलर सिविल कोड, सेक्युलर सिविल कोड। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे और NCRTC द्वारा कौन सी नई पहल शुरू की गई है? तो ये की गई है वन इंडिया वन टिकट। आगे, सरकार द्वारा आभूषण क्षेत्र के लिए क्या बहाल किया गया, यानी कि क्या जो है रिस्टोर किया गया, ये पूछा जा रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर। तो ये बोला जा रहा है डायमंड इंप्रेस्ड लाइसेंस, यानी हीरो का इंप्रेस्ड लाइसेंस जो है इसको रिस्टोर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, MEA एंड NSIL के बीच हस्तांतरण MOU के माध्यम से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो कौन सा उपग्रह है ये? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, एग्जैक्टली दैट इज नेपालीज मुनाल सैटेलाइट। भारत ने परमाणु क्षमताओं के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण विकास किया है? तो कौन सा है महत्वपूर्ण विकास? दैट इज एडवांसमेंट इन न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटीज, एडवांसमेंट इन न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटीज। कौन सी टेक्नोलॉजी जो है समीर, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, समीर द्वारा निजी फार्मों को कौन सी तकनीक हस्तांतरित की गई? तो इस तकनीक का नाम है माइक्रोवेव शुगर मेजरमेंट एंड टेक, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपड़ा मंत्रालय ने जीनर्स के लिए हाल ही में कौन सी पहल करी? तो ये की है एम्पावरमेंट टू प्रोड्यूस कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड, ठीक है, इसको भारत की ब्रांड। ओके, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, और आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को आपने देखा होगा, और क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे और मैं नहीं चाहता था कि आपका बहुत ज़्यादा वीडियो का टाइम जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है इसको। बट अगर आपको चाहिए कि भाई इसके आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, तो मैं आपको PDF भी जो है अटैच कर दूंगा। और साथ ही अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास Vocab 24 और GK 24 एप्लीकेशन ज़रूर हो, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन आपको इंग्लिश और GK की प्रिपरेशन करने में बहुत मददगार होंगे। तो प्लीज़ आप इसको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और इनका जो लिंक है ऐप्स का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो और अगर ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।